तो इस बार समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की लिस्ट को देखकर अपने प्रत्याशी तय किए। ये एक बड़ी वजह रही समाजवादी पार्टी के जीत की। अब अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को देखें तो उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर बिना जाति और धर्म के समीकरण के कोई काम नहीं होता, और इसी वजह से इस बार सपा ने कुछ ऐसे समीकरण साधे जो कि बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करने वाले थे। जैसे अगर जातियों की बात करें तो सबसे पहले जो सपा के साथ एक बात, इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा हैरान उत्तर प्रदेश ने किया और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी को इस बार जायंट किलर कहा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस में शामिल समाजवादी पार्टी ने अकेले 37 सीटें जीती जबकि वो चुनाव लड़ी थी 62 सीटों पर। यानी 62 में से 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा के हिसाब से बन गई है, और अगर देश में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है संसद के अंदर। अब अगर यूपी में समाजवादी पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ी इस पर हम बात करें तो इस बार समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की लिस्ट को देखकर अपने प्रत्याशी तय किए। ये एक बड़ी वजह रही समाजवादी पार्टी के जीत की। अब अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को देखें तो उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर बिना जाति और धर्म के समीकरण के कोई काम नहीं होता, और इसी वजह से इस बार सपा ने कुछ ऐसे समीकरण साधे जो कि बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करने वाले थे। जैसे अगर जातियों की बात करें तो सबसे पहले जो सपा के साथ एक बात लगी हुई थी वो ये थी कि सपा यानी MY मुस्लिम और यादव। इस बार अखिलेश यादव ने MY फैक्टर से खुद को दूर रखने की पूरी कोशिश की, और अगर टिकट बंटवारे में बात करें तो 62 में से सिर्फ 5 सीटों पर यादव प्रत्याशी उतारे गए और ये 5ों प्रत्याशी अखिलेश यादव के परिवार के थे। इसके अलावा अगर मुस्लिम सीटों की बात करें तो सिर्फ 4 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने सबसे ज़्यादा फोकस OBC समाज पर किया जिसमें सबसे ज़्यादा टिकट कुर्मी को दिया गया, और बाकी शाक के सैनी कुशवाहा इस तरह की जो जातियाँ थी जो यूपी में इम्पैक्ट करती हैं उनको भी अखिलेश यादव ने टिकट देकर साधने की कोशिश की। इसके अलावा दलितों पर अखिलेश यादव का इस बार खास फोकस था। हाल ही में अखिलेश यादव ने एक नया अपना मोर्चा बनाया है जिसका नाम है अम्बेडकर वाहिनी। तो अम्बेडकर के नाम पर अब बसपा के वोटों को हासिल करने की जो समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है उसमें 17 दलितों को इस बार सपा ने मैदान में उतारा था, जिसमें एक सीट अयोध्या भी थी जिसका नाम फैजाबाद है जो सामान्य सीट है, और सामान्य सीट पर भी सपा ने दलित प्रत्याशी उतार कर बीजेपी का खेल बिगाड़ने का काम किया। अब पहले बात करते हैं MY फैक्टर की। MY यानी मुस्लिम यादव, 5 यादव यानी कि अखिलेश यादव के परिवार के जो 5 सदस्य थे जिसमें खुद अखिलेश यादव कन्नौज से, मैनपुरी से उनकी पत्नी डिंपल यादव, फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव, बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव, और आजमगढ़ से अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव। ये 5 यादव थे इस बार जिनको टिकट मिला और 5 के 5ों ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा अगर मुस्लिम फैक्टर की बात करें तो वो सीटें जहां से सपा को लग रहा था कि उनके मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं सिर्फ वहीं पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए, जिसमें कैराना से इकरा हसन वो चुनाव जीत गई, रामपुर से मुहिबुल्ला नदवी वो भी चुनाव जीत गए, संभल से जियाउर रहमान भी चुनाव जीते, और गाजीपुर से अफजाल अंसारी वो भी चुनाव जीते। यानी 4 मुस्लिम प्रत्याशी और 4 के 4 इस बार जीत करके संसद पहुँचे। अब अगर बाकी सीटों की बात करें तो दलित फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर सपा के लिए माना गया क्योंकि दलितों में 17 सीटें दलितों को दी गई थी जिसमें जाटव भी थे और गैर जाटव भी शामिल किए गए थे। तो 17 दलितों को उतार कर सपा ने एक नया सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की। अब एक फैक्टर कांग्रेस के साथ गठबंधन है। इस बार इंडिया अलायंस में 80 सीटों में 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ी, 62 पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट तृणमूल कांग्रेस को दी गई थी। हालांकि भदोही वो सीट है जहां से तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ी लेकिन चुनाव नहीं जीत पाई, और 62 में से 37 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। इस बार के चुनाव में जो देखा गया, जो गठबंधन धर्म होता है वो दोनों दलों ने निभाया। कांग्रेस के नेता उस सीट पर मदद करते नजर आए जहाँ पर सपा के प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, और सपा के प्रत्याशी उन सीटों पर मदद करते नजर आए जहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। यानी दोनों दलों का जो समन्वय था वो बहुत अच्छा था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कई संयुक्त सभाएं की, कई रोड शोज़ किए, और प्रियंका गांधी के साथ डिंपल यादव देखी गई जो भी सभाओं में भी थीं और रोड शोज़ में भी। तो 4 बड़े जो चेहरे समाजवादी पार्टी
और कांग्रेस के थे, ये चारों अलग अलग जगहों पर अलग अलग समीकरण साधने के लिए पहुँचे, रोड शोज़ किए, सभाएं की, लोगों से मुलाकात की, बात की, और कई ऐसी भी जगहें थी जहां अखिलेश यादव खुद पहुंचे। तो लोगों को साधने की कोशिश, और विपक्ष ने इस बार बीजेपी का जो एजेंडा था, जिसमें एक एजेंडा राम मंदिर था और बाकी सरकार का विकास था, लेकिन इन सब के ऊपर एक एंटी इनकम्बेंसी थी, और उस एंटी इनकम्बेंसी को बुनाने के लिए विपक्ष ने इस बार अपनी लाइन बहुत सटीक रखी। बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे के समक्ष समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि ये 400 पार का नारा सिर्फ और सिर्फ संविधान बदलने के लिए है, और ये जो नैरेटिव सेट किया गया ये कहीं ना सिर्फ दलितों में बल्कि ओबीसी समाज में भी पहुंचा, और शायद यही वजह है कि न सिर्फ दलित वोटों में बीएसपी को नुकसान हुआ और इंडिया अलायंस को फ़ायदा होता दिखा, बल्कि कई ऐसे ओबीसी समाज के भी लोग हैं जिन्होंने शायद इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट किया, और इसी वजह से ये जो नतीजे हैं वो सामने आए हैं। अब अगर बात करें दूसरे मुद्दों की, तो नौकरी रोज़गार से लेकर के बेरोज़गारी, महंगाई, इस तरह के जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको भी विपक्ष ने एजेंडा बनाए रखा, और जो प्रत्याशियों से नाराज़गी थी, जो लोकल इश्यूज थे, उनको उठाने की कोशिश की, और इस वजह से भी बीजेपी के प्रत्याशियों को जीती हुई सीटों पर इस बार हार का सामना करना पड़ा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इंडिया अलायंस ने उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का जो एक चुनावी कैंपेन था, उस कैंपेन के पिच पर ना खेलकर अपनी एक नई पिच तैयार की थी, और उसका सीधा सीधा फायदा इस बार इंडिया अलायंस को मिला है। कांग्रेस की भी बात कर लें तो कांग्रेस इस बार 6 सीटें जीतने में सफल हुई, जबकि कांग्रेस यूपी में अपना अस्तित्व तलाश कर रही थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, और दोनों ही सीटें रायबरेली और अमेठी थी, जहां से रायबरेली से सोनिया गांधी और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरे और जीत कर आए। लेकिन 2019 में कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर सिमट गई, और वो सीट थी रायबरेली। खुद राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार 2024 में कांग्रेस को 6 सीटें मिली, और अपना गढ़ बचाने में कांग्रेस कामयाब रही, जहां रायबरेली से खुद राहुल गांधी चुनाव जीते, वहीं अमेठी से स्मृति ईरानी को हरा करके गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा ने ये बताने की कोशिश की कि अमेठी कांग्रेस का गढ़ थी, एक बार भले हारे हों लेकिन इस बार जीत करके उस गढ़ को बचाने में कामयाबी मिली है। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स इंडिया अलायंस ने इस्तेमाल किए, चाहे टिकट बंटवारा हो, चाहे चुनावी कैंपेन हो, चाहे आपसी समन्वय हो, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स थे जिन फैक्टर्स ने काम किया, और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस ने एक बड़ी जीत हासिल की, जहां 80 में से 43 सीटों पर इंडिया अलायंस जीती, वहीं 33 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट आरएलडी के खाते में गई जो कि बीजेपी की सहयोगी है, और 1 सीट अपना दल के खाते में गई है वो भी बीजेपी की सहयोगी है। लेकिन इस बार एक दलित चेहरा उभर कर सामने आया, वो चंद्रशेखर आज़ाद है, जिसने नगीना सीट से अपनी पार्टी से यानी निर्दलीय चुनाव लड़के चुनाव जीत लिया। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स थे, और कुछ और इसी तरह के चुनावी आंकड़े आपको समझाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल NDTV देखते रहिए, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे हर वो आंकड़े, हर वो फैक्टर्स, हर वो चुनावी जीत के समीकरण जिसने इस बार के चुनाव को काफ़ी रोचक बना दिया, क्योंकि चुनाव मतलब NDTV। लखनऊ से अपने कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।